गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। टुडे आई टीच यू क्लास 5 मैथ। दिस चैप्टर नेम आर सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में एक्सरसाइज 16, आज हम एक्सरसाइज 16 देखेंगे। इसमें हम लोग जो है ब्रैकेट के बारे में समझेंगे, ठीक है। हम लोग इसके पहले जो एक वीडियो बनाया एक्सरसाइज 15, उसमें ब्रैकेट नहीं था। इसमें क्या है, ब्रैकेट है, देखेंगे। यहाँ पे पहले क्या है, इसको कहेंगे बार एंड वर्णाफलम, इसको बोलते बेटा। ये आपका ब्रैकेट है, इसको राउंड ब्रैकेट बोलते हैं, इसको कोडल ब्रैकेट बोलते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। अब इस तरह के ब्रैकेट का हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहले इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, फिर इसके बाद इस ब्रैकेट को, फिर बड़ी वाली ब्रैकेट को हम लोग इसको तोड़ेंगे, ओके। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 16 का कैसे हम लोग करेंगे, ओके। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हम लोग आएंगे, यहाँ ये देखो, ये बेटा आप लोग का स्मॉल ब्रैकेट है, यानी कि आपका राउंड ब्रैकेट है। तो राउंड ब्रैकेट को पहले हम लोग इसको यहाँ पे हम लोग हटाएंगे। तो कैसे हटाएंगे हम लोग, उसको देखते हैं। तो देखने के लिए पहले हम लोग यहाँ पहुँचेंगे, जैसे वैसे ही राइट करेंगे, एक 18 डिवाइडेड ब्रैकेट पे आ गए हम लोग का। अब ब्रैकेट में देखो, यहाँ पे 7 है, यहाँ -2 है, +1 है। तो 7 प्लस है और 1 भी प्लस है, 7 और 1 8 में से -2 गया तो हो गया 6। तो बेटा तब पे ब्रैकेट हट गया, हो गया 6। अब देखेंगे बेटा हम यहाँ पे नेक्स्ट है 20 माइनस। अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे, तो इस ब्रैकेट को हटाएंगे, पर इसका वर्क करेंगे हम लोग। यहाँ पे 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 3 18, ये हो जाएगा 3, ये भी टूट गया बेटा। अब नेक्स्ट बच गया आपका 20 माइनस 3, तो 20 माइनस 3 हो जाएगा 17, ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे 2 3 4 5, ये आपका होमवर्क रहेंगे 2 3 4, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे फिर देखेंगे लोग। यहाँ पे कुछ नया है, यहाँ पे आप देखेंगे किस नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, तो बार एंड वर्णाफलम बोलते हैं, ये बार लगा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले इस बार को हटाएंगे, फिर बाद में जो है हम लोग इसका दूसरा वर्क करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे। पहले बार ब्रैकेट को हटाएंगे, फिर उसके बाद राउंड ब्रैकेट, फिर वर्क ब्रैकेट को। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का है। तो पहले आप जिस तरह से यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचेंगे तो जिस तरह से ब्रैकेट, उस तरह से हम लोग लिखते हुए चलेंगे हम लोग 30। तो उसके बाद यहाँ पे है -9, इस माइनस को ध्यान नहीं देना, पहले इस पर ध्यान देना, ओके। 9 में से 6 जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा, 3 बचेगा, ओके। तो आपका ये बार ब्रैकेट हट गया। अब फिर आपका 3, आपका ये टोटल ब्रैकेट लगेगा, इंटू 6 प्लस 6, ओके बेटा। नेक्स्ट जो है इस ब्रैकेट को, अब इस ब्रैकेट का वर्क करेंगे हम लोग। तो देखते हैं बेटा क्या होता है, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो 30 में -3 जाएगा, क्या बचेगा बेटा 27, ओके 27 बचेगा आपका। ये ब्रैकेट हट गया और यहाँ पे क्या बच गया बेटा, 3 बच गया, ओके इंटू 6 प्लस 6। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग। अब इस ब्रैकेट को हटाना है, ब्रैकेट हटाने के लिए हम लोग अंदर का जो वर्क करना है वर्क करेंगे हम लोग। देखते हैं, तो 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27 कितने बार में डिवाइड होता है, तो 9 बार में हो जाएगा, 9 बार में डिवाइड हो गया। आपका ये ब्रैकेट हट गया, यहाँ पे आ गया 6 प्लस 6। अब इससे पहले वर्क क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 9 6 54 प्लस 6, और इसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 60 आंसर। आप इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन से आपका ये होमवर्क रहेगा, आप 6 7 8 9 10 11 12, इसके बाद भी होगा तो आप उसको भी कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करके पता करिए, पूछ लीजिएगा, ओके। तो मेरा पर्सनल नंबर है 8858030002, ओके बेटा। अब आप आसानी से इसको सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू।